यूएफटी न्यूज 24 से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबर पर। मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल ने 83 साल के वृद्ध के दिल के छेद की सर्जरी कर जान बचाई। नई दिल्ली में दिल की बीमारी के कारण काफी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में दिल की बीमारी का ज्यादा खतरा होता है और बढ़ती उम्र से पहले बीमारियों के कारण इसका खतरा और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन घातक दिल के दौरा पड़ने की बात की स्थिति की तुलना में शुरुआत में इसका इलाज काफी आसान होता है, क्योंकि घातक दिल का दौरा पड़ने के दौरान आंतरिक रक्तस्राव का खतरा होता है, जिसके कारण दिल स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त हो जाता है। ऐसा ही मामला प्रीत विहार के एक सेवानिकृत व्यापारी एनएस मेहरा का था, जिसकी जटिल ओपन हार्ट सर्जरी की गई, जिससे उसकी जान बच सकी। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे मामलों का समय के अंतर्गत सफलतापूर्वक इलाज होता है। इस केस के बारे में बताते हुए मैक्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वैशाली के प्रिंसिपल एवं सीसीटीवीएस के प्रमुख डॉक्टर गौरव महाजन कहते हैं कि दिल में छेद होने के अधिकतर मामलों में मरीज अस्पताल में इलाज कराने के लायक स्थिति में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि रोगी की हालत काफी बिगड़ जाती है और उसके बचने की उम्मीद काफी कम हो जाती है। सर्जरी करने के कारण हम मेहरा की जान बचाने में कामयाब हो सके, इसलिए जरूरी है कि सभी को सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो दिल के मरीजों को लेकर। यही सोचते हैं कि जो स्ट्रेस है उसको हम स्विंग से ओवरटेक कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। बैठे रहेंगे 9 बजे से सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक काम करेंगे, पीछे से इतना प्रेशर रहता है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, जो स्ट्रेस है, जो स्मोकिंग है, डायबिटीज है, एक मिनट मोटापा है, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल कम है, और जो भी हम डाइट खाते हैं आजकल जो सारा का सारा फास्ट फूड डाइट है, तो उसका वेट गेन होता है, वेट गेन होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ये सब नाड़ियों में जमना शुरू हो जाता है, नाड़ियों में जमने से ये बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। सर, दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल ज़्यादा है। यस सर, तो पॉल्यूशन का ज़्यादा जो रोल है वो लंग्स पे जी, हार्ट पे थोड़ा सा कम रोल है, लंग्स पे ज़्यादा जो फेफड़ों की बीमारियाँ हैं वो पॉल्यूशन से ज़्यादा है। फेफड़ों की हुई जैसे गले की हुई, गले की और फेफड़ा फाइनली वो आपका विंड पाइप से जुड़ा हुआ है, विंड पाइप आपके गले में जुड़ा है, तो वो बीमारियाँ जो है वो आपकी सारी की सारी फेफड़ों की बीमारियाँ पॉल्यूशन के लिए, हार्ट से बहुत कम। सर, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह से दिल्ली में रहने वाले युवाओं को चाहे बुजुर्गों को परेशानी उठानी पड़ती है, लोग योगा वगैरह नहीं करते, इस वजह से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए आपका विशेष राय क्या होगा? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो ज़रूर अपने लिए कुछ टाइम निकालें, पार्क में जाएँ। आजकल हर एक पार्क में जिम लगा हुआ है, हर एक पार्क में कहीं ना कहीं वहाँ पर योगा भी होता है। अगर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं भी आ रहा तो कुछ लोग ही जो है वो योगा सीखे हुए खुद से वो भी सिखाने लग जाते हैं। एक से डेढ़ घंटा आप ज़रूर दीजिए, और अगर कुछ भी नहीं है आपके पास तो वॉक तो जो है वो अपने ही हाथ में, वॉक इज़ वेरी गुड फॉर द बॉडी। आप जितना माइल्स चलेंगे, चाहे आप 30 मिनट चलिए, चाहे आप एक घंटा चलिए, आपका हार्ट उतना ही बेटर होता है। दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। यूएफटी न्यूज 24 के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।